इतिहास गवाह है, जब से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बने हैं उन सभी ने सोचा था कि वो अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर कर लेंगे, इवन एंजल्स के ट्रेनिंग के साथ। पर लेकिन कोई भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ने अभी तक अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर नहीं किया, पर लेकिन उनके बदले एक बंदे ने अल्ट्रा इंस्टेंट को मास्टर कर चुका है और उसका नाम है गोकू। तो गाइस, आज हम बात करेंगे अल्ट्रा इंस्टेंट के ट्रूथ के बारे में, अल्ट्रा इंस्टेंट का सच के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, ये थ्योरी मेरी नहीं है, ये थ्योरी है वेगस सेयर की, उन्होंने मुझसे ये थ्योरी शेयर की है। तो गाइस, जैसे कि आप सबको मालूम है, गोकू जब अल्ट्रा इंस्टेंट फॉर्म में जाता है तो उसका पूरा अपीयरेंस पूरी तरह चेंज हो जाता है, जैसे कि हमें सुपर सेयन या सुपर सेयन ब्लू में ऐसा अपीयरेंस देखने नहीं मिलता। मतलब गोकू बहुत ही सीरियस हो जाता है जब वो अल्ट्रा इंस्टेंट को हासिल करता है। तो जैसे कि आप ये समझ लो कि जब गोकू अल्ट्रा इंस्टेंट पे जाता है वो अपना दिमाग ज़रा भी यूज़ नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम है कभी वो अपना दिमाग यूज़ करे तो फिर उसके अटैक कोई फ़ायदे के नहीं है। तो जैसे कि हमें बताया गया था, जब गोकू जेरिन को जब कामेहामेहा मारता है तो उसका कामेहामेहा कुछ नहीं रहता, क्योंकि वो उस टाइम सोच में रहता है। तो गोकू को अपने आप में परफेक्ट मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट करना है तो उसे पूरी तरह ब्रेन वॉश होना पड़ेगा। तो आप पहले ये वीडियो क्लिप देख लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। Independently of the other parts. But I admit this is exceedingly difficult. In fact, not even Lord Beerus has mastered it, and he's a god. तो गाइस, जैसे कि आप सबने ये वीडियो क्लिप में देख लिया होगा कि विस गोकू और वेजिटा दोनों से ये कहता है कि तुम अपनी बॉडी को खुद रिएक्ट करने दो, ना कि उसे ऑर्डर दो, क्योंकि जब तुम्हारी बॉडी खुद रिएक्ट करेगी तो तुम्हें अपने आप को एकदम सिंपल धीरे छोड़ देना है, कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम जितना ज़्यादा सोचोगे उतने ही ज़्यादा तुम्हें बहुत मुश्किल होगी, और ये टेक्निक को अचीव करना बहुत ही मुश्किल है। अब ये बात पे आते हैं, जब भी हमारा गोकू कोई भी मैच लड़ता है एकदम आराम से तो वो बहुत ही जल्दी गंदी मुसीबत में फंस जाता है। पर लेकिन जब से गोकू ने अल्ट्रा इंस्टेंट अनलॉक किया है और वो मोड पे गया है तो वो सीरियस रहता है, क्योंकि गोकू उस टाइम उसका दिमाग ही यूज़ नहीं करता। गोकू का ना दिमाग यूज़ करना उसके लिए सबसे बड़ी उसकी एबिलिटी है। मतलब जब गोकू अपना दिमाग यूज़ नहीं करेगा तो गोकू के जो बॉडी पार्ट मूवमेंट है वो खुद रिएक्ट करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आप क्या कीजिए, एक गर्म पानी लीजिए और फिर वो गर्म पानी में आप अपना हाथ डाल दीजिए, तो अपने आप ही देखना आपका हाथ वो गर्म पानी से निकल जाएगा, क्योंकि उस टाइम आपका बॉडी मूवमेंट एक तरह से ले लेगा। पर लेकिन इसी तरह अल्ट्रा इंस्टेंट में भी वही है, तो इस वजह से अल्ट्रा इंस्टेंट की वजह से उसका गार्ड अब नहीं खुशता है। तो दोस्तों, मैं आपसे कुछ तो गाइस बस आपसे एक छोटी सी हेल्प चाहिए कि आप मुझे ज़रा टॉपिक सजेस्ट करने में मदद कीजिए। आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके कोई भी टॉपिक बताइए, मैं आपके लिए वो टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए तैयार रहूँगा। तो गाइस, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट कीजिए, और सारा क्रेडिट जाता है वेगस सीरियन को। तो जब तक के लिए गुड बाय।